16 नंबर मिला, 15 नंबर हुआ था। अशक्यश्चित प्रतिकारो अंतिम प्रगण विषयानंद मिला। अशक्यश्चित प्रतिकारो ये चलेगा। नहीं मिला। विषयानंद प्रकरण है 15वां। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। ओम शांति शांति शांति। नारायण तो ये कहा तीन प्रकार की वृत्तियां हैं अंतकरण में, शांत वृत्ति, घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्ति। गुणों के भेद से ये कहा था, 3 नंबर 4 नंबर श्लोक में कहा था, है ना। तो वैराग्य क्षमा औदार्य इत्यादि ये शांत वृत्ति है सत्वगुण की प्रधानता से। रजोगुण की प्रधानता से घोर वृत्ति होती है, तृष्णा स्नेह राग लोभ ये सब। और मूढ़ वृत्तियाँ होती है तमोगुण की प्रधानता से, सम्मोह भय इत्यादि कहा गया, ठीक। और शांत वृत्ति में परमात्मा के सच्चित आनंद का प्रतिफलन होता है, बाकी वृत्ति में सबका प्रतिफलन नहीं होता है। ये प्रसंग के अनुसार तो ये 14 में कहा, 15 में कहा, घोर मूढ़ वृत्ति में सुखाभाव सुख नहीं होता है, इसको अभिनय करके दिखलाया। गृह क्षेत्र आदि विषय में जब कामना होती है ना, तो सुख नहीं होता है। रजोगुण की प्रधानता से काम घोरत्वा तत्र न सुखम, है ना। और भी क्रोध द्वेष कैसे होता है ये 15 में बता दिया। सिद्ध्यत न वा इति अस्ति दुःखम, हम जो कार्य कर रहे हैं इससे फल होगा कि नहीं होगा, संशय रहता है ना। तो जहाँ पर संशय होता है दुख कहाँ होगा, ठीक है। और कार्य की सिद्धि नहीं हुई और ज़्यादा दुख होता है, पहले भी दुख हो रहा था कार्य करते समय, क्यों संशय हो रहा था ना, फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा, संशय होने से दुख होता है। और फल की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर दुख बढ़ता है, ठीक। तद विवर्धते, तद मतलब दुखम। और प्रतिबंध हो गया
तो क्या होता है? क्रोध होता है ना? अपने से छोटा हो तब क्रोध होगा, और अपने से बड़ा आदमी हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे तो द्वेष होता है। ऐसे होता है। तो प्रातिकूलता, प्रतिकूल होने से ये सब क्रोध द्वेष सब होता है। तो और कुछ कर नहीं पाएंगे है ना, परिहार जब नहीं कर पाओगे, जो प्रतिबंध डालने वाले का यदि परिहार ना हो सके तो विषाद होता है, सहन नहीं होता है, कुछ बोल नहीं सकता ना कुछ कर सकता है। ये 16 नंबर में कह रहे हैं, टीका में है। हम तो रामकृष्ण टीका चलाते हैं, रामकृष्ण टीका प्रामाणिक मानते हैं इसके ऊपर। परिहारस्य अशक्यत्वे विषाद होवत। ये देखो, परिहार जब नहीं कर पाएंगे प्रतिकूल का तो विषाद होता है ना? तस्यापि तामसत्वा, क्योंकि ये जो है वृत्ति है ना, ये तामस वृत्ति है, काम क्रोधादि ये तामस वृत्ति है। न तत्र सुखम, वहाँ पर सुख नहीं होता है, वहाँ पर सुख का प्रतिफलन नहीं होता है। सुख नहीं होता मतलब वृत्ति में सुख का प्रतिफलन नहीं होता है, मतलब तामस वृत्ति में सुख अभिव्यंजकत्व धर्म नहीं होता है। बाकी तो होगा, सत का भी होगा चित्त का भी होगा, लेकिन आनंद अंश का प्रतिफलन नहीं होता है, ये सिद्धांत है। 16 नंबर चलेगा भगवान। अशक्यश्चेत् प्रतीकारो विषादः स्यात् सतामसः क्रोधादिषु महदुःखम् सुखशङ्कापि दूरतः। देखो, प्रतिकारः अशक्यः चेत्, ये 3 पद हुआ प्रथम पाद में। जो प्रतिकार करना है ना, प्रतिकूलता का प्रतिहार करते हैं, यदि हमारे में सामर्थ्य नहीं हुआ, संभव नहीं हुआ, तो ये क्या होता है? विषाद स्याद, विषाद होता है, सहन नहीं हो पाता है, बहुत दुख होता है, सहन होता नहीं, ठीक है, यह व्यवहार में देखा जाता है। लेकिन ये जो विषाद वृत्ति है ना, ये तामस है, तमगुण से उत्पन्न होता है ये विषाद। और बोलते हैं देखो, क्रोधादिशु तो जो क्रोधादि हो जाए तो इतने महान दुख होता है, बहुत दुखम। वो बोलते हैं दूर से भी वहाँ पर सुख की शंका नहीं की जा सकती है, जहाँ पर महान दुख होता है तो वहाँ पर सुख का मिश्रण ही नहीं है, दुख ही दुख का मतलब। ये लिखा दूरतः सुख शंका भी, दूर से ही सुख की शंका नहीं की जा सकती, मतलब सुख संभव है ही नहीं वहाँ पर, ऐसा कहा। ये कहना चाहते हैं कि जो प्रतिफलन होता है बिंब रूप सुख, इसका जो बिंब है वो ब्रह्म स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है ना? ये शोधन किया जाएगा, प्रतिबिंब का विचार करने पर बिंब का ज्ञान कराना है, और वही बिंब स्वरूप मैं हूँ, ये प्रश्न चल रहा है। इसको कहते हैं विषयानंद, विषयजन्य जो सुख है प्रतिबिंब, वो बिंब का होता है, ठीक है, ये विचार चल रहा है पहले से। काम्यलाभे हर्षवृत्ति शांता तत्र महत्सुखम् भोगे महत्तरम लाभ प्रसक्ता भी सदैव ही। देखो, जिसकी कामना की जाती है ना उसको कहते हैं काम्य, काम्यंती थी काम्या। यहाँ पर यत प्रत्यय करते हैं री हलो न्यत, तो व्याकरण में एक सूत्र आया री हलो न्यत, वहाँ पर न्यत प्रत्यय कर्म में यहाँ पर करिए। तो कामना जिसकी की जाती है उसको बोलेंगे काम्य, ठीक है, वो भी भ्रांति से, विषय में सुख नहीं है लेकिन पूर्व संस्कार है ना, पूर्व संस्कार होने के कारण वो भ्रांति ज्ञान हो जाता है,
इस विषय से हमको सुख मिलेगा। हैं, जो भ्रांति ज्ञान का विषय हो गया वो हो गया काम्य, ठीक है ना रण। इसलिए काम्य वस्तु की प्राप्ति होने पर, अच्छा काम्य वस्तु की जो प्राप्ति होते हैं ना वो पूर्व अदृष्ट से होती है। पुण्य यदि फल देगा है ना तो अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है, ठीक। तो अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होने पर पूर्व संस्कार अभिव्यक्त होता है। देखो अनुभव में बैठा ही देखो, कोई सुंदर वस्तु मिल गई तो तुरंत ज्ञान होना चाहिए कि ये अदृष्ट से मिला। तो अदृष्ट से पूर्व पूर्व अदृष्ट से अनुकूल वस्तु की प्राप्ति हो गई, और अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होने पर पूर्व संस्कार अभिव्यक्त होता है, ठीक। पूर्व संस्कार अभिव्यक्त होने पर ये स्मरण होगा कि इदम मत अभिष्ट साधनम, ये मेरे लिए क्या है, अभिष्ट है, ठीक है। ये ज्ञान हुआ, ज्ञान होने पर क्या होते, फिर इच्छा होती है ये मुझे मिले, इच्छा होगी ना। फिर इच्छा होने पर क्या होगा, फिर प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति होगी ना, हाँ इसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति हो जाएगी। और प्रवृत्ति जब होगी, प्रवृत्ति दो प्रकार की होगी, विचार करिए है ना, एक तो शास्त्रीय विरुद्ध प्रवृत्ति होगी, एक अशास्त्रीय प्रवृत्ति होगी, नहीं तो शास्त्रीय प्रवृत्ति होने पर क्या होगा, पुण्य होगा, होगा कि नहीं। और अशास्त्रीय प्रवृत्ति होने पर पाप होगा। देखो दो यहाँ पर आरंभ हो गया। तो वो वस्तु का आपने ग्रहण किया, ठीक है। ग्रहण करना कैसे ग्रहण करना ये आपके ऊपर है, पुरुषार्थ होगा। पशु तो पूर्व स्वभाव से करेगा वो, है ना, लेकिन मनुष्य चाहे तो पुरुषार्थ कर सकता है ना। उस वस्तु का विनियोग हमको कैसे करना है, भगवान को अर्पण करके करना है कि कैसे करना है, पुरुषार्थ होगे कि नहीं होगे, ठीक है। यदि विचार करेगा भगवान को मैं उसको भोग लगाओ, अतः ब्रह्मार्पण ब्रह्म वीर ज्ञान के दृष्टि से, अथवा शरीर का ये साधन है, शरीर का शरीर निर्वाह का एक साधन है ये, ऐसी यदि बुद्धि हो जाए ये तो पुरुषार्थ हुआ ना, विचार आदि पुरुषार्थ हुआ। उसे शोभन बुद्धि नहीं होगी, भोग करते समय ग्रहण करते समय शोभन बुद्धि नहीं होगी। शोभन बुद्धि ही आगे इच्छा को अभिव्यक्त करता है, करती है कि नहीं। तो दो चक्र हुए कि नहीं, एक पुण्य का चक्र ले लीजिए और एक पाप का चक्र। पाप का चक्र उससे उल्टा कर लीजिए, पूर्व अदृष्ट यदि पाप हो तो प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। प्रतिकूल वस्तु की जब प्राप्ति होगी तो फिर ये भोग तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी से खाना ही पड़ता है। तो हर एक वस्तु में लीजिए, ठीक है। तो पूर्व जो संस्कार है वो अभिव्यक्त होगा, प्रतिकूल होने पर ही पूर्व संस्कार अभिव्यक्त होगा, कैसे, हाँ इदम मत अनिष्ट साधनम, ये मेरे लिए क्या है, अनिष्ट साधन, ये पूर्व संस्कार से होता है। राग द्वेष सब भ्रांति से है, ये पूर्व संस्कार से ही भ्रांति होती है कि नहीं। तो पूर्व संस्कार के कारण ये भी भ्रांति ज्ञान अभिव्यक्त हो गया, स्मरण हो गया कि इदम मत अनिष्ट साधनम, है कि नहीं। फिर उस वस्तु को प्राप्त करने की तो इच्छा तो नहीं होगी, उससे निवृत्ति होगी है ना, उससे हटेगा ना, और खाएगा तो मान लीजिए मजबूरी से खाएगा, वो ग्रहण करेगा, उससे निवृत्ति होगी। तो निवृत्ति भी दो प्रकार की है, एक शास्त्रीय और एक क्या है, अशास्त्रीय। निवृत्ति भी तो दो प्रकार से हो सकती है ना। मान लीजिए आपको कोई वस्तु दिया तो आपके लिए प्रतिकूल है ना, आपके लिए प्रतिकूल वस्तु की जो प्राप्ति हो रही है ये धर्म है कि अधर्म है, अधर्म से पाप से प्राप्ति हुई, लेकिन उसको कैसे हटाना ये आपके ऊपर निर्भर है। ये तो पाप से ही प्राप्त होगा प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से उसको हटाना है कि अशास्त्रीय दृष्टि से हटाना है, और विचार तो करिए देखिए है कि नहीं। शास्त्रीय दृष्टि से कैसे है, हाँ तो भाई उसको प्रेम से समझाओ,
देखो मेरे लिए अनुकूल नहीं है, कृपा करें आप दूसरा दे दो, कुछ करो, ये उपाय है ना ये। तो ये शास्त्र दृष्टि हो गई है कि नहीं। और अशास्त्र दृष्टि देखो, अब ऐसा फिर उससे लड़ाई करेगा, कुछ करेगा कुछ करेगा, अशास्त्र दृष्टि हो गई कि नहीं होगी। तो वहाँ पर शास्त्र दृष्टि से करेंगे तो आपको पुण्य होगा, निवृत्ति में भी आपको पुण्य होगा, होगा कि नहीं होगा। और अशास्त्र यदि हो जाए तो क्या होगा, तब तो वहाँ पर भी फिर प्रारंभ हो रहा है कि नहीं। फिर आगे फिर द्वेष भी होता है, फिर इसी प्रकार है ना। शोभन बुद्धि अनुकूल में शोभन बुद्धि है, प्रतिकूल में क्या अशोभन बुद्धि। इसलिए मनुष्य का यही पुरुषार्थ है कि ऐसा विचार का हम अपनाएं, विचार को अपनाएं, तो उससे शोभन बुद्धि भी ना हो और उससे अशोभन बुद्धि भी ना हो, है ना। यही तो साधक और असाधक में ही तो अंतर होता है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साधक की बात नहीं कह रहे हैं, तो अविचारशील जो व्यक्ति है उसके लिए कह रहे हैं। काम्य लाभे हर्ष वृत्ति, काम्य वस्तु के प्राप्त होने पर हर्ष की वृत्ति होती है, ठीक है। 17 नंबर चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, शांता तत्र महत्सुखम, ये शांत वृत्ति हो गई ना। तो शांत वृत्ति तो सत्वगुण से है, इसमें महान सुख महत सुखम होता है। अच्छा, और आवाज़ ठीक नहीं जा रही, क्या बात है, हम तो प्रयास तो कर रहे हैं। अच्छा भाई, कट कट के आ रहे हैं, मौसम है ऐसा है, कोहरा पड़ रहा है ना, कोहरा बहुत पड़ रहा है, प्रयास कर। हाँ जी, बड़ा माला बाइक आपके वहाँ नहीं, आपके लिए वहाँ वहाँ के लिए नहीं है। रिकॉर्डिंग के लिए ये। मोबाइल से संबंध नहीं है इसका, प्रयास करता हूँ। देखिए अभी कैसा है। तो ऐसा है, कोहरा है थोड़ा सा ना, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा कोहरा है आज, भगवान सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसी जा रही है। अच्छा, अभी देखिएगा। हाँ ऐसे किया हूँ अभी, देखो भाई। 17 नंबर में भोगे महत्तरम, ये देखो, भोग यदि कर दिया तो महत्तर सुख हो गया, ठीक है ना। भोगे महत्तरम वो कहते हैं ना, प्रिय मोद प्रमोद, सुख में चार वृत्ति कही, प्रिय मोद प्रमोद और कौन है, आमोद भी कहते हैं कहीं कहीं, है ना। अनुकूल वस्तु को की प्राप्ति हो जाने पर क्या है, प्रिय होता है, नहीं प्रिय हो ना, देखने से प्रिय हो जाता है। हाँ देखने से प्रिय हो गया, मिल जाने पर मोद होता है, भोग होने पर प्रमोद, अब बिल्कुल पर्याप्त मिल गया तो आमोद, ऐसे भी कहते हैं कुछ लोग। कुछ बाकी रहा नहीं तो आमोद बोलते हैं, असमंता मोद, जिसको महापूर्ण बोलते हैं ना, इसी प्रकार कहते हैं। देखो इसलिए यहाँ पर कह दिया महत्सुखम, मतलब भोग है, महत्सुखम कह दिया। और आ क्या कहते हैं, महत्तरम, महत्तर कब होगा, हैं महत्तर, एक मिनट, और सब बच्चे बोल दिया ना, भोगे महत्तरम और लाभ प्रसक्तो ईषदेव, लाभ प्रसक्तो वो वस्तु मिल गए तो ईषद, ये कौन सा हुआ भाई, इसको तो मोदक हो गए। लाह प्रसक्त तो ईसा देव, प्राप्ति हो जाने पर थोड़ा सुख होगा और भोग होने पर ज़्यादा सुख होगा, है कि नहीं। और पर्याप्त हो जाने पर महासुख, ऐसा ही लगा सकते हो, है कि नहीं। और उसको देखने मात्र से उसको नहीं लिया हो, प्राप्त होने पर हो गया,
थोड़ा सुख, भोग हो जाने पर महत् सुख, और पर्याप्त हो जाने पर, शांत वृत्ति हो जाने पर महत् सुख, इस प्रकार भी कह सकते हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, शांत में महत् सुखम, भोग में महत्तर, और प्राप्त होने पर ईषत सुख। पर उसको देखने मात्र से नहीं लिया, ऐसा ले लीजिए, है कि नहीं? अचार लेंगे तो वही होगा, है ना? देखने पर प्रिय और प्राप्त होने पर मोद, और भोग होने पर प्रमोद, और पर्याप्त शांत हो गया तो क्या हो गया? आमोद हो गया। एक को नहीं लिया, इस पर कर लीजिए। तो ये सब सत्य गुण से है। ये आठ नंबर, महत्तमं विरक्तोतो विद्यानन्दे तदीरितम् एवं शान्तो तथोदार्ये क्रोधलोभ निवारणा। देखो यहाँ पर एक महत्तम को बोल रहे हैं इधर। तो महत हो गया, और फिर इधर महत्तर हो गया, और थोड़ा सुख कहाँ पर? प्राप्त होने पर थोड़ा सुख बोल दिया था, नहीं? और इधर महत्तम किसको बोल रहे हैं? विरक्त होने पर महत्तम बोल रहे हैं। ये भी सत्य गुण से हुआ, वो तो विषय से हो रहा था, है ना? पहले जो कहा थोड़ा महत्तर और महत कहा, यहाँ पर महत्तम कहते हैं से क्या हुआ? विषय के बिना, यहाँ पर विषय का परित्याग हो जाने पर ही बड़ा सुख होता है, ठीक है? इसलिए महत्तम बोल दिया, है ना? तो विषय जन्य सुख नहीं, यहाँ पर विषय का त्याग हो जाने पर विरक्त, विषय के प्रति विरक्ति हो जाने पर, है ना, बहुत सुख होता है। इससे बड़ा कोई सुख तो है नहीं, क्योंकि उसमें ज्ञान का अभिव्यक्त होगा ना विरक्ति होने पर। इसलिए विरक्त तो महत् सुखम, ठीक है? ये भी अंतकरण का ही सुख है, ये भी प्रतिबिंबित सुख है, नहीं? परमानंद सुख नहीं है ये भी, अब ज्ञान हुआ कहाँ? इसलिए विरक्त तो महत्तमम, है ना? विद्यानंदे तद इरितम, ये विद्यानंद प्रकरण पहले कहा था, ठीक है? एवं शांतो, इसी प्रकार क्षमा हो जाने पर भी महत्तम सुख होता है, विरक्ति में भी महत्तम सुख। और मान लो कि कोई अपराध किया है आपके प्रति, ठीक है ना, और वही आया आपके शरण में, आपने उसको क्षमादान दे दिया, उसी बड़ा सुख होता है कि नहीं? इसलिए शांति, शांति का अर्थ क्या है? क्षमा है, ये भी पहले कहा था। तथा उदार, ये इसी पे और उदार भाव हो गया, उदार भाव, है ना? तो उदार भाव कैसे? आप किसी ने आप किसी का उपकार कर दिए, है कि नहीं? गरीब का उपकार कर दिया, कोई भी मान लीजिए, तो वो जो उदार भाव हुआ उसमें भी एक बड़ी शांति मिलती है, ठीक? देखो क्यों? क्रोध लोभ निवारणा, ना इसमें क्रोध, ये क्रोध होने पर वैराग्य नहीं होता है। ये क्रोध भी नहीं है, और क्या है? लोभ भी नहीं है, देखो, है ना? कि क्रोध लोभ इसका निवारण होने पर चित्त जो शांत होता है, सत्वगुण का बाहुल्य होता है, तो वैराग्य, दूसरा कह दिया शांति, तीसरा कह दिया क्या? औदार्य, इसमें महत्तम सुख होता है। मतलब ऐसी वृत्ति में वो आनंद का प्रतिफलन, विशेष प्रतिफलन होता है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ, कथितम, इरितम का अर्थ कथितम होता है। विद्यानंद प्रकरण में ये बात आई थी। तो क्रोधादिशु इत्यादय स्पष्टार्थ, जो क्रोधादि बोल दिया ना, तो क्रोधादि होने पर तो सुख का प्रतिफलन नहीं होता है, क्रोधादि का निवारण होने पर ही सुख का प्रतिफलन होता है, है ना? इसलिए इसका अर्थ जो स्पष्ट है, स्पष्टार्थ मतलब स्पष्ट अर्थ, ये सम पदानम,
उस पदों को बोले स्पष्टार्थ। हाँ मतलब इसका अर्थ तो स्पष्ट है, पहले कह दिया था। एवं छांतादीना सिद्धम इतिहा। इसलिए छांतादि जो वृत्तियाँ होती है ना, उसमें तो सुख सिद्ध ही है। यद यद सुखम भवे तत्तद ब्रह्मैव प्रतिबिम्बनात् वृत्ति संतर्मुखा स्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिम्बनम्। बोलते हैं कि यत यत सुखम भवेत, पहला पाद है, जो जो सुख होता है, ये वृत्ति रूपी सुख है, चाहे विषजन्य सुख हो चाहे वैराग्य आदि से सुख हो, ये सबको लीजिए सुख शब्द से, मतलब प्रतिबिंबित सुख हुआ। यद यद सुखम भवेत मतलब अनित्य सुख हुआ ना, प्रतिबिंबित सुख हुआ, तो वहाँ पर तत्त ब्रह्मैव उसको ब्रह्मरूप समझना चाहिए, है ना। हाँ मतलब प्रतिबिंब को बिंबरूप समझना चाहिए। भाई कैसे समझेंगे, प्रतिबिंब तो अलग होता है बिंब तो अलग होता है। बोलते ऐसा नहीं, प्रतिबिंबनाद, ये देखो नारायण कह रहे हैं। क्योंकि बिंब ही प्रतिबिंब रूप से दिखता है कि नहीं। जैसे गाड़ी चलाते ना ड्राइवर, देखिए गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर है उनको जो है दर्पण में दिखता है, ठीक है ना भाई। दर्पण में जो दिखता है वो क्या समझता है, दर्पण में जो है वही गाड़ी समझता है क्या, नहीं, गाड़ी पीछे है और वही गाड़ी दर्पण में दिख रही है, यही ना समझता है वो, इसलिए तो साइड कर लेता है। लेकिन दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो पीछे है, वही गाड़ी जो बिंब है वो दर्पण में दिख रहा है, इसलिए प्रतिबिंब को बिंब से अभिन्न समझता है वो, अलग सत्ता नहीं समझता है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो जो विषजन्य सुख हो अथवा वैराग्य आदि जो सुख हो, प्रतिबिंबित सुख, वो सुख तो कहाँ पर प्रतिबिंब हो रहा है, वो तो वृत्ति में हो रहा है, अंतकरण वृत्ति में हो रहा है, वो प्रतिबिंब वो बिंब रूप ही है, इसलिए प्रतिबिंब को बिंब रूप से जान करके इसको कहते हैं ब्रह्म एव तत्त ब्रह्म एव। तत्त कहने से क्या लेंगे, सुखम। और अन्यत्र शास्त्र में कहा गया विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप तो आनंद ही है, हेतु दिया देखो, प्रतिबिंब है बिंब क्यों है, हेतु दे दिया प्रतिबिंबना, क्योंकि ब्रह्म ही वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होता है, दूसरा नहीं होता है। ये जो कहते हैं प्रतिबिंबवात नारायण, ये प्रतिबिंबवात ये मुख्य सिद्धांत है प्रतिबिंबवात। और एक होता आभासवाद कहते हैं, आभासवाद तो आभासवाद ये होता है सुरेश्वर आचार्य जी का आभासवाद है, निष्कर्म सिद्धि आदि में ये विचार है। तो वो कहते हैं कि प्रतिबिंब तो मिथ्या ही है, प्रतिबिंब मिथ्या है, बिंब सत्य है, इसी का नाम हो गया आभासवाद है, ठीक है। आप पंचदशीकार लोग जो है प्रतिबिंब को लेते हैं, ये समझने में सरल पड़ता है ना, दर्पण आदि का दृष्टांत करे, है ना। जैसे दर्पणस्थ जो मुख है, मुख को ये दर्पणस्थ मानेंगे तो मिथ्या है, क्योंकि मुख दर्पण में नहीं हो सकता है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से दृष्टांत भी समझ लीजिए, वृत्ति में भी जो सुख हो रहा है हाँ, तो वही वास्तविक सुख नहीं है, उसको यदि वास्तविक सुख समझेंगे तो ये मिथ्या ज्ञान हुआ। मुख को ये दर्पण में मानेंगे तो मिथ्या है ना, दर्पण तो मुख होगा नहीं, इसी प्रकार वृत्ति में जो सुख प्रतिबिंबित हो रहा है उसी को यदि सुख मानेंगे तो भ्रांति है, ये यथार्थ नहीं है, है कि नहीं। लेकिन बिंब ही प्रतिबिंब रूप से दिखता है, जैसे ग्रीवास्तव मुख हो गया, ग्रीवास्तव मुख ही वो उसमें दिख रहा है, इसलिए वो इससे भिन्न नहीं है। हाँ इसको कहते हैं ग्रीवास्तत्व न, मुख को मतलब प्रतिबिंब को हाँ ग्रीवास्तत्व न यदि मानेंगे हाँ, तो ये वास्तविक ज्ञान है, ये इसको कहते हैं प्रतिबिंबवाद। हाँ समझ में आया दृष्टांत, मतलब दर्पणस्तत्व न तो मिथ्या है लेकिन ग्रीवास्तत्व न सत्य है,
और बिंब ही प्रतिबिंब से दिखता है ना, ऐसा मत को कहते हैं प्रतिबिंबवाद है। और आभासवाद में क्या हुआ, प्रतिबिंब है ही नहीं कुछ। हाँ ये थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है, है ना, समझने की एक प्रक्रिया है, लेकिन प्रतिबिंबवाद समझने में ज़्यादा सरल पड़ता है और आभासवाद थोड़ा कठिन पड़ता है, और अवच्छेदवाद भी कठिन पड़ता है। अवच्छेदवाद वाचस्पति आदि मानते हैं वो लोग, बोले प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, उनका कहना है कि आत्मा ने कोई रूप ही नहीं आत्मा का, भाई उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा। लेकिन अवच्छिन्न हो सकता है आत्मा, जैसे आकाश जैसे अवच्छिन्न होता है, वो प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। तो प्रतिबिंब भाई जो प्रक्रिया सरल है ना, तो उसी का ज़्यादा प्रचलन होता है तो अद्वैत सिद्धांत है, प्रतिबिंबवाद का प्रचलन ज़्यादा है। अच्छा इसलिए प्रतिबिंबवाद को लेकर बोलते हैं कि प्रतिबिंबना बिंब ही प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित होता है वृत्ति में, इसलिए यद यद सुखम भवेत, जो जो वृत्ति में प्रतिबिंबित सुख हो रहा है तत्त ब्रह्म एव, है ना, वो ब्रह्म ही है। तो प्रमाण हो गया कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, और अनेक प्रमाण है ऐसे ही एव आनंदयाति, ऐसे एक प्रमाण आता है, कौन से उपनिषद वाक्य है, बृहदारण्यक में होगा शायद, ऐसे ही एव आनंदयाति, ये जो बिंब रूप जो आनंद ब्रह्म है वही सबको आनंदित करता है, मतलब अलग अलग अंतकरण वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होता है, ये प्रमाण है कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि यद यद सुखम भवे तत्त ब्रह्म एव, ब्रह्म ही है। अच्छा बोलते प्रतिबिंब होता कैसे, हाँ प्रतिबिंब होता कैसे, बोलते हैं कि वृत्तिषु अंतर्मुखासु अस्य प्रतिबिंबनम निर्विघ्नम, ऐसा अन्न करना है। बोलते हैं वृत्ति जो चित्त की वृत्ति है ना, जब अंतर्मुखी होती है ना, अनुकूल विषय मिल गया तो शांत वृत्ति होगी ना, तो शांत वृत्ति बहिर्मुखी नहीं होती, अंतर्मुखी होती है और घटाकार पटाकार वृत्ति में बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है वो। हाँ क्रोधादि में तो फिर कहना क्या है, तो क्रोधादि में वृत्ति हमेशा बाहर होती है, अंतर्मुखी नहीं होती है। अरे अनुकूल वस्तु मिल गई देखिए, थोड़ा मन शांत हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है मन। ऐसे अंतर्मुखी अंतकरण में जो वृत्तियाँ हैं, शांत वृत्ति बोल दिया, वैराग्य आदि शांत वृत्ति है, उस शांत वृत्तियों में अंतर्मुखासु वृत्तिषु, है ना, अस्य प्रतिबिंबनम, अस्य कहने से क्या क्या लेंगे, ब्रह्मण, हाँ षष्ट्यंत, तो ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंबनम भवति, भवति का अध्ययन कर सकते हैं। हाँ इसमें निर्विघ्नम, विघ्न नहीं होता है, विघ्न क्या है यहाँ पर, राजस वृत्ति है कि नहीं, तामस वृत्ति, ये विघ्न है, इसलिए तामस वृत्ति राजस वृत्ति होने पर अंतकरण में प्रतिबिंब नहीं होगा। और सात्विक वृत्ति क्या है, अनुकूल हो गई है ना, अनुकूल हो गया ना, इसलिए अनुकूल वृत्ति में, जिस वृत्ति में अभिव्यंजकता धर्म है कि नहीं, तो उसी वृत्ति में न प्रतिबिंब होगा ऐसा कहा, प्रतिबिंबनम निर्विघ्नम, ठीक। अब प्रतिबिंब और कुछ नहीं है, लोग ये कहते हैं ना भाई आप ब्रह्म का कोई रूप नहीं तो प्रतिबिंब कैसे होगा, हाँ दृष्टांत देते, हम एक बार वहाँ गए थे, ये टाट वाले बाबा इधर है, ये है ना ये कौन सा भोलागिरी आश्रम है ना, भोलागिरी आश्रम के सामने एक आश्रम है, एक बड़े विरक्त महात्मा रहते थे पहले, हाँ त्यागमूर्ति जी महाराज जो, तो मौन व्रत रह गए थे 12 साल तक, क्षेत्र संन्यास भी लिए थे, जब क्षेत्र संन्यास जब लिए थे तो मौन भी धारण किए थे, तो मौन खुलने के लिए उनके पास गए थे महाराज श्री जी, बड़े महापुरुष होंगे, कहते ऐसे महापुरुष के जैसे कैसे जाते फिर, तो वहाँ हम गए थे एक बार, तो प्रोग्राम था, तो ये वेदांत विषय वेदांत का ही रखा गया था तो मैंने बोला इसके ऊपर तो उसके बाद एक आए फिर अलग सिद्धांत दे थे, तो वही उठाए भी भाई ब्रह्म का कोई रूप नहीं तो प्रतिबिंब कैसे होगा
यही उठाया उसने। तो मैंने कहा कि जिसका रूप नहीं उसका प्रतिबिंब नहीं होता है क्या? होता ही नहीं होता है, विचार तो करिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि रूप होता है, रूप वाले में होगा, है ना। जो रूप है तो रूप में रूप रहता है क्या? मतलब एक ज्योति की प्रक्रिया से मैंने बताया है। घट में रूप है मान लीजिए, नहीं तो रूप कहाँ पर है? घट में, मतलब युक्ति की प्रक्रिया से। तो रूप में रूप है क्या? तो रूप निरूप है कि नहीं? क्योंकि घट का प्रतिबिंब होता है कि रूप का भी प्रतिबिंब होता है? दोनों का होता है। तो निरूप का प्रतिबिंब हुआ कि नहीं हुआ? युक्ति की प्रक्रिया से बताया। और दूसरी बात है कि ऐसे अनुभव की प्रक्रिया से भी ले लीजिए, अनुभव की प्रक्रिया से ले लीजिए। जैसे स्वप्न में है मान लीजिए, सपने तमाम प्रकार का जो दिखता है कि नहीं, उसका बिंब कौन है? नहीं, सारा संसार जो दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो जो दिखाई देगा वो प्रतिबिंब होगा। तो ब्रह्म तो दर्पण हो गया है, सारा सपना जो दिखाई दे रहा है वो तो प्रतिबिंब की तरह हुआ ना। तो किस में दिख रहा है? ब्रह्म में दिख रहा है। तो ब्रह्म तो भी दर्पण स्थानीय हो गया। आज जो भी दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब हो गया, नहीं तो फिर उसका बिंब कौन है? उसका क्या रूप है? वस्तु है ही नहीं तो कहाँ से रूप से आ गया? तो न होने पर भी दिखाई दे रहा, नहीं दे रहे? दे रहे, दिखाई दे रहा ना, है ना। इस बार आकाश के प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ कोई पूछ रहे हैं क्या? पूरे संसार में आप कुछ सुन रहे हैं, तो ठीक है। आपके उस ब्रह्मानंद स्वरूप तो को ठीक है, हम तो गुरु रूप में देख रहे हैं, चैतन्य देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो शरीर दिखाई दे रही है, ये जो बिंब पड़ रहा है अंतःकरण में, उसको बिंब सुख स्वरूप सुख तो दे ही रहा है, सुख कौन दे रहा हो है? रहा है। हाँ बिंब दे रहा है, हाँ बिंब दे रहा है। बिंब ही दे रहा है सुख, कौन सुख देगा? वो बिंब ही सुख दे रहा है, मतलब बिंब ही प्रतिफलन हो रहा है, यही सुख देना है। हाँ हाँ सुख दे रहा है मतलब कि दे रहा है, मतलब क्या है? बिंब ही अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो रहा है, यही सुख देना है। तो ये सबको समझो। केवल मुझे क्यों समझ रहे? सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। चलो अगर अलग प्रसंग है। हाँ तो सपने में भाई जो भी दिखाई दे रहा है वो तो प्रतिबिंब हो गया ना। बहुत लोग कहते हैं कि जो भाई बिंब ना होगा तो प्रतिबिंब कैसे होगा, ये तो कह रहे हैं लोग लोग। एक दर्पण हो गया, एक आपका मुख हो गया, और दर्पण जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। यही कहते हैं, वहाँ पर भी प्रसंग उठाया भाई, वहाँ पर तो भेद है, एक बिंब हो गया और जहाँ पर प्रतिबिंब हो रहा है दर्पण हो गया। तो भेद हो तो बिंब प्रतिबिंब बाद होगा, भेद के बिना कैसे होगा? यही तो उठाते हैं लोग। इसलिए प्रतिबिंब बाद का लोग खंडन करते हैं अद्वैत सिद्धांत का। वो कहते हैं आप जो दृष्टांत देते हो भगवान, कि एक दर्पण होता है एक आपका मुख होता है, तो दर्पण और मुख में भेद है कि नहीं है? है ना, ये तो बन जाएगा। और दूसरी बात रूप भी है मुख का, इसलिए तो हो सकता है। लेकिन आत्मा का कोई रूप भी नहीं है, और आत्मा से कोई अतिरिक्त है ही नहीं बोलते हो, है कि नहीं? तो फिर बिंब होगा कौन, प्रतिबिंब कौन होगा, दर्पण कौन होगा? फिर यही शंका करते ना। और तीसरी एक शंका करते हैं, यदि ईश्वर तो बिंब रूप हो गया, ईश्वर क्या हो गया? बिंब रूप हो गया, नहीं? और सारा जीव क्या हो गए? प्रतिबिंब हो गए। तो बोलते हैं कि बिंब आकर के दर्पण को उपदेश करेगा, ये प्रतिबिंब को? कोई उपदेश करता है क्या? दर्पण में जाता है और अपने प्रतिबिंब को उपदेश करता है? जो भगवान श्री कृष्ण तो कैसे हैं, बिंब है वो,
है कि नहीं। और अर्जुन तो कैसा है, नहीं प्रतिबिंब है, बिंब को भी जा करके वो अपने प्रतिबिंब को उपदेश करेगा। इसलिए ये सब अपसिद्धांत है, प्रतिबिंबवाद अपसिद्धांत है। इसलिए ईश्वर जीव में क्या मानना चाहिए, भेद मानना चाहिए, पारमार्थिक मानना चाहिए। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, विचार नहीं करते ना। तो भाई ऐसा है, बिंब हो तब जाकर के प्रतिबिंब होगा, दर्पण हो तब जाकर प्रतिबिंब होगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वो जड़ वस्तु में होता है, ऐसे इसको कहते हैं जड़ दर्पण। जड़ दर्पण में भेद की आवश्यकता है, लेकिन चित्त दर्पण में भेद की आवश्यकता नहीं है। ये सारा जो सपना दिखाई दे रहा है आप ही के अंदर दिखाई दे रहा है, समझ में कि नहीं। और जो भी दिखाई दे रहा है उसका कोई बिंब नहीं है, फिर भी दिख रहा, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसलिए चित्त दर्पण में कोई भेद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सपना में जो भी दिखाई दे रहा है उसको ढूंढो, इसका बिंब कौन है कि नहीं। मान ले 10 साल पहले किसी का स्वर्गवास हो गया, वो भी दिखता है, वो कहाँ, वो है कहाँ, वो भी दिखता है नहीं दिखता है, तो कहाँ बिंब है। चित्त दर्पण के लिए कोई भेद की आवश्यकता नहीं होती है, और कोई रूपों की भी आवश्यकता नहीं होती है। निरूप पदार्थ का ही प्रतिबिंब होता है, ठीक है भगवान, ये सिद्धांत है। इसलिए कह रहे हैं गुरुजी, जो अंतर जो श्लोक है, अंतर्मुखासु, हाँ जी, अंतर्मुखी होना चाहिए था काय के। ना, अंतर्मुखी वृत्ति सूपा है, अंतर्मुखास की जगह पे अंतर्मुखी होना चाहिए, अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी वृत्ति है, अंतर्मुखा स्त्रीलिंग है ना, अंतर्मुखा। भी स्त्रीलिंग, अंतर्मुखी भी स्त्रीलिंग है। तो क्या हुआ, हो गया ना भाई, अंतर्मुख पुलिंग है, सुने तो। नहीं, सुनिए तो, बोल रहा हूँ मैं, सुनिए। अंतर्मुखम अस्य अस्तित्व अंतर्मुखी, तो दीर्घ इकार हो जाएगा, समझ में कि नहीं। और अंत, हाँ सुनिए, हाँ फिर अंतर्मुखम यासाम ते अंतर्मुखा, तो हो जाएगा, बहुवरी समास करोगे तो, धन में कि नहीं। अंतर्मुख पुलिंग है, स्त्रीलिंग करेंगे तो टाप हो जाएगा, अंतर्मुखा शब्द, तो अंतर्मुखा का सप्तमी बहुवचन होगा अंतर्मुखा सु, हो गए कि नहीं। दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, एक नंबर और एक श्लोक कर लेता हूँ। स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग अंतर्मुखा हो गए। अच्छा, इदानीं सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप अनुभूति प्रदर्शनाय तत्स्वरूपम स्मारयति। हाँ यही कहना है इनको, इसीलिए तो प्रारंभ किया था। इदानीं सर्वत्र, सभी में, जितने भी नाम रूप है सभी में अनुभूति करनी चाहिए, अनुभूति को दिखा रहे हैं। ब्रह्म स्वरूप अनुभूति, और ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है कि नहीं। इसलिए सच्चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसकी अनुभूति होनी चाहिए, केवल शब्द नहीं बोल रहे यहाँ पर। तो अनुभूति हो जाए साधक को, इसलिए प्रक्रिया बताई थी पहले, तीन प्रकार की वृत्ति बताई थी। वो तीन प्रकार की वृत्ति नाम रूप है, वो नाम रूप में एक ब्रह्म स्वरूप को देखना है ना। जो अन्यत्र जो कहा गया ना सरस्वती रहस्य उपनिषद में, अस्थि भाति प्रियम रूपम नाम चेतन से पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम और जगद रूपम तत्वद्वयम, ऐसे कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं तत्स्वरूपम स्मारयति, ब्रह्म का जो स्वरूप जो पहले कहे थे उसका स्मरण करा रहे हैं। स्मारयति सत्ता चिति सुखम चेति स्वभाव ब्रह्मणस्त्रयः मृच्छिलादिषु सत्यैव व्यज्यते नेतरद्वयम्। देखो सत्ता कहो सत कहो एक ही बात है ना। ये जो तल प्रत्यय कर दिया ना, ये स्वार्थ में कर दिया, सत एव सत्ता है ना। हाँ वो तो वो जाति में करते हैं तल प्रत्यय, तार्किक लोग। हम तो ऐसा नहीं मानते ना, जो सत्ता भी ब्रह्म ही है,
हाँ, इसलिए सत और सत्ता का अर्थ एक ही होता है, ठीक है भगवान। इसलिए स्वार्थ में तल प्रत्यय होता है, जो सत और जो चिति ही, चिति में भी ऐसा है, जो चित कहो चाहे उसको चिति कहो, एक ही बात है ना। तो चिति ही मतलब ज्ञान स्वरूप, हाँ, सत मतलब है पना जो बोलते हैं ना, वो है पना। और चिति, चिति से यहाँ पर लेना है संबित चिति को लीजिए भगवान, वो वृत्ति रूपी चित को नहीं लेना है। जो प्रथम प्रकरण का नाम क्या है, तत्व विवेक प्रकरण, ठीक है। तो जागरण स्वप्न सुषुप्ति में जितने भी व्यवहार हो रहा है, सर्वत्र एक नित्य ज्ञान है, सर्वत्र एक संप्रकाश ज्ञान है, और सर्वत्र जो अव्यभिचरित जो ज्ञान है उसको संबित शब्द से कहा था, उसी को यहाँ पर कह रहे चिति ही। और तीसरा बोल दिया सुखम, सुखम से क्या है, वहाँ पर बिंब रूप सुख, नित्य आनंद स्वरूप सुख है, सुख करता आनंद परमानंद स्वरूप। इति ब्रह्मण त्रय स्वभाव, ये ब्रह्म के तीन स्वभाव है, लेकिन तीन अलग अलग नहीं समझना है वेदांत में। हाँ, सत चित और आनंद एक ही है, मतलब जहाँ पर सत्ता है वहाँ पर चैतन्य भी है, और वहाँ पर क्या है, आनंद भी है, अलग अलग नहीं है। और तीनों से व्यावर्तित तीन होते हैं, इसलिए तीन विशेषण देते हो। सत्ता से किसका होगा, असत्य का निवारण होगा नहीं, और चिति से जड़ता का होगा, और आनंद से किसका, दुख रूपता का होगा। सारा संसार दुख रूप है तो ब्रह्म भी दुख रूप न समझे कोई, इसलिए आनंद बोल दिया। मतलब व्यावर्त्य तीन होने से तीन विशेषण यहाँ पर होता है, सत चित आनंद। इसलिए कोई कोई ये तीनों मिला करके एक ब्रह्म का लक्षण हुआ, और कोई कोई एक एक लक्षण भी हो सकता है ना। जो सत्य ब्रह्म है, जो चित ब्रह्म है, जो आनंद ब्रह्म, इसलिए तीन अलग अलग लक्षण भी हो सकता है, और तीनों को मिला करके भी एक ब्रह्म का लक्षण होगा। दो दो प्रकार से समाधान करते हैं एक कहा। अच्छा, मृच्छिलादिशु सत्ता एव विद्यते, मृच्छिलादि में ना सत्ता की ही अभिव्यक्ति होती है, घटो अस्थि पटो अस्थि है ना। न इतर द्वयम्, चैतन्य और सुख का वहाँ पर अभिव्यक्ति नहीं होती है ना, जड़ वस्तु में नहीं होती है, ठीक है। मिले मृच्छिलादिशु सत्ता एव विद्यते न इतर द्वयम्, इतर कौन कौन हो गए, चिति और सुख, इसकी अभिव्यक्ति मृच्छिलादि में नहीं होती है। मृच्छिला स कुछ हुआ, मृच्छिलादिशु सन्मात्र मित्यर्थ, मृतिका में तो केवल सन्मात्र की ही अभिव्यक्ति होती है स्पष्ट रूप से, घटो अस्थि इस प्रकार से, मृतिका अस्थि इस रूप से। आगे के विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य।